डेटिंग ऐप के माध्यम से युवती के साथ धोखाधड़ी कर अश्लील फोटो वायरल करने का मामला नंदोली पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। आरोपी ने युवती को भावनात्मक दलीलें देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमारे यहाँ पे पिछले महीने में एक 376 राइट एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें की जो विक्टिम है उसकी एक गुने के आरोपी के साथ क्लब हाउस ऐप पे ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्टर करने के बाद एक फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप के बाद वो लोगों में आपस में चैटिंग होती थी और चैटिंग के दरमियान कुछ ही महीनों बाद आरोपी ने विक्टिम को प्रपोज भी किया था। विक्टिम ने जब उसको इनकार किया तो आरोपी ने इमोशनली विक्टिम को ये भी बताया था कि मैं एक बड़े जी न्यूज़ का पत्रकार हूँ और मेरे माँ बाप बिजनेसमैन है, और उसने उसी वो क्लब हाउस मेंबरशिप के जो कोई जो मेंबर्स है उनको उसके नकली माँ बाप बना के वो विक्टिम के साथ बात भी करवाई थी, हमारा लड़का अच्छा है वगैरह ऐसा कुछ। तो उससे उसने विक्टिम का एक विश्वास संपादन किया था और विक्टिम को प्रपोज किया और फिर उसको नागपुर मिलने के लिए भी बोला था। जब भी विक्टिम ने उसको इनकार किया तो आरोपी ने विक्टिम को एक मैसेज भी किया कि मैसेज ये किया कि यू कम विथ मी रिलेशनशिप अदरवाइज आई विल किल यू माई सेल्फ ऑल्सो आई विल किल यू यू ऐसा कहीं ऐसा कुछ मैसेज किया था उस वजह से। और आरोपी ने एक बड़े न्यूज़ चैनल का पत्रकार और घर का कुछ कंडीशन बैकग्राउंड अच्छा है बताने के बाद फिर वो विक्टिम ऑब्वियसली वो आरोपी की फ्रेंड बनी। और वो नागपुर में जब एक होटल में मिले तो होटल में आरोपी ने वो विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाए और रिलेशन के जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं उसने और वो वायरल भी किए हैं। यहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन चालू था। आरोपी ने जब विक्टिम के साथ बात की थी तो उसका रहने का पता दिल्ली बताया था और नकली आईडी भी बताया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोपी का असली नाम राकेश ओझा रहना जमशेदपुर ये पता चला है। और वो कोई जी न्यूज़ का पत्रकार वगैरह नहीं है बल्कि वो एक जर्नलिज्म का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसके माँ बाप भी साधारण यानी आम लोग ही है। मैं ये जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है क्लब हाउस मेंबरशिप में और जो इनका कोई रैकेट है या कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व है क्या, इसमें इस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिर्फ पुलिस की तरफ से आज के युवक और युवतियों के लिए सिर्फ यही आह्वान रहेगा कि क्लब हाउस या ऐसी कुछ ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे जो ऐप है और उसके थ्रू जो फ्रेंडशिप बना के फिर लड़के लड़कियों को एक्सपोज करवा के उनके तरफ से जो गैर कृत्य किए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और ये फेक आईडी या फेक ऐप पे फ्रेंडशिप से ऐसे कुछ जो भी प्रकार चलते हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, सजग रहना चाहिए, बस यही कहना है।